आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रिएटिव देव पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी हम इनकम टैक्स इंडिया के ट्विटर हैंडल पे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि अपने स्क्रीन पर ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU वॉज साइन बिटवीन CBDT एंड CBIC टूडे, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है CBDT और CBIC के बीच में। इसके तहत क्या होगा कि अब GST डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों डेटा एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। मतलब क्या होगा कि अब जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST डिपार्टमेंट के बीच में जो है वो डेटा का जो होगा अदला बदली होगा, मतलब डेटा जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा इन दोनों के बीच में। इससे क्या होगा, ये रहा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज, ठीक है। आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली, 21 जुलाई 2020 को यह प्रेस रिलीज हुआ था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU बिटवीन CBDT एंड CBIC साइन टूडे, मतलब 21 तारीख को यह मेमोरेंडम जो है वो साइन किया गया था। इसके इससे क्या होगा कि अब जो है जो पहले टैक्स की चोरी होता था वो अब नहीं हो पाएगा, मतलब करप्शन जो है वो उस पर अब रोक लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जो है डेटा जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST डिपार्टमेंट के बीच में शेयर होगा रेगुलर बेसिस पे, स्पॉन्टेनियस बेसिस पे, या फिर ऑन डिमांड भी हो सकता है। सपोज अगर किसी भी डिपार्टमेंट को डेटा चाहिए अगर किसी का, तो वो ऑन डिमांड भी मंगवा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे जो है टैक्स की चोरी अब रुक सकती है। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग GST में टर्नओवर कुछ और दिखाते थे और इनकम टैक्स में टर्नओवर कुछ और दिखाते थे, ठीक है फ्रेंड्स। ऑब्वियस सी बात है कि वो इनकम टैक्स में अपना टर्नओवर कम दिखाएंगे ताकि वो टैक्स कम पे करें। लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज करेंगी रेगुलर बेसिस पे, ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले जो CBDT है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो MSME के साथ भी एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया है, ठीक है। उससे क्या होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो अपने SSC का जितना भी इनकम से रिलेटेड जो भी डेटा है वो MSME के साथ शेयर करेगी। उससे क्या होगा कि MSME जो है वो इस बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे ये पता कर पाएगी कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो माइक्रो है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो मैक्रो है, मिनी है, ठीक है। तो ये सब पता चल जाएगा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो लार्ज है। तो ये सभी चीज़ें जो है अब काफ़ी पारदर्शी हो जाएगी, ठीक है। इसमें किसी तरह का कोई करप्शन जो पहले हो पाता था अब वो होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड इन्होंने एक टीम भी बनाया है, ठीक है। वो टीम जो है वो रेगुलर बेसिस पे मीटिंग होगी उन टीम की, और ये देखा जाएगा कि क्या जो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो साइन किया गया है ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। डेटा का एक्सचेंज जो है वो सही प्रकार से हो पा रहा है या नहीं। डेटा एक्सचेंज जो होगा वो ऑटोमेटिक भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही बिग प्रेस रिलीज है और एक बहुत ही बड़ा कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, या फिर आप कह सकते हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड GST डिपार्टमेंट के तरफ से करप्शन को रोकने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।